अध्याय सात भगवत ज्ञान। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरपोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शक्तः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध तथा अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ
जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयी। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिभिर्गुणमयिर भावैर ए भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तेषां ज्ञान नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैरित ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
Sataya Shaddhaya Yuktah Tasya Radhanamihate Labhate Chattatah Kaman Mayaiva Vihitan Hitan. ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।